हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल टेक। आज का वीडियो होने वाला है हमारे ग्रेड्स के ऊपर, जो हम ग्रेड यूज़ करते हैं कंक्रीट का। जैसे बोल आप साइट पर जाते होंगे तो ठीक, जो आपने सुना होगा कभी ठेकेदार बोलता है कि 1:8 के उसमें बना दो, 1:6 के उसमें बना दो। तो ये असल में होता क्या है, 1:6:8 यही होता हमारा कॉन्क्रीट का ग्रेड। तो क्या होता है, जैसे आप साइट पर जाएंगे तो लिखा रहता है ड्राइंग, जो स्ट्रक्चर ड्राइंग रहती है उसमें जैसे लिखा हुआ मेंशन किया हुआ है कि आपका M25 जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज़ करेंगे हम कॉलम की कास्टिंग के लिए, M20 करेंगे बीम के लिए। तो उसका रेशियो क्या होता है, जैसे M25 का होता है आपका 1:1:2, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। M20 का होता है 1:1.5:3। तो इसमें 1 जैसे M25 हो गया और M20 हो गया, तो जैसे M20 का है 1:1.5 और 3। तो उसमें 1 क्या होता है, 1 होता है हमारा एक सीमेंट का बैग के लिए, हम 1 नोट करते हैं। 1.5 हमारा होता है सैंड के लिए, और जो 3 होता है हमारा होता है एग्रीगेट्स के लिए, मतलब रोड़ी। तो मान लीजिए जैसे हम साइट पे गए तो बैग में तो सीमेंट का बैग ही मिलता है हमें, रोड़ी और सैंड के लिए तो हमें बैग मिलता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उसे टब का यूज़ करते हैं। तो मान लीजिए एक सीमेंट का बैग है हमारा, वो 3 बारी में ख़त्म हो रहा है, जब हम उसे 3 बार टब में डाल रहे हैं तब वो ख़त्म हो रहा है। तो जैसे हम M20 में कास्टिंग करनी है किसी कॉलम या बीम की, तो हम क्या करेंगे, एक जो सीमेंट का बैग कंज्यूम करेंगे, तो मान लीजिए वो टब है आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, उस टब में 3 बारी में ख़त्म हो रहा है हमारा एक सीमेंट का बैग। तो हम उसको डालने के बाद क्या करेंगे, 1.5 होता है आपका किसका, आपका सैंड का, तो उसकी मल्टीप्लाई। तो आपको मैंने बोला जो 1.5 होता है वो था हमारा सैंड का। तो हमको जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा एक सीमेंट का बैग तीन बार जब हम टब में उसे डाल रहे हैं तब यूज़ हो रहा है मतलब, तो वही हम क्या करेंगे, 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 4.5। तो मतलब 4.5 टब हम डालेंगे क्या सैंड का, और जो हमारा रेशियो मतलब लास्ट था 3, जो M20 में कास्टिंग कर रहे थे हम, 1:1.5 और 3, तो बचा 3। तो हम क्या करेंगे, 3 टब तो यूज़ हो ही रहे हैं हमें पता है, तो हम 3 × 3 कर देंगे 9। तो मतलब 9 टब रोडी डालेंगे उसको M20 ग्रेड कंक्रीट में, उसकी जिस भी चीज़ की हम कास्टिंग कर रहे हैं, या चाहे बीम हो चाहे कॉलम हो। तो ये होता है इसका रेशियो। तो जिसमें अब मैं बताता हूँ एम क्या होता है, इसमें M20 बोलते हैं M25 बोलते हैं, तो उसमें होता क्या है, आपको कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं बताएगा। तो M20 में एम जो होता है मिक्स के लिए डिनोट करता है, एम फॉर मिक्स, और 20 हो गया, ये 25 हो गया, ये उसकी होती है क्या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है, मतलब हम टेक्निक होती है, UTM मशीन यूज़ करते हैं। तो हम मशीन में क्या करते हैं, इसका कंप्रेशन टेस्ट करते हैं। तो हम जैसे एक 15 सेंटीमीटर का एक छोटा सा फर्मा बॉक्स लेते हैं, उसमें हम कॉन्क्रीट मिक्स तैयार करते हैं। जैसे हम 20 ग्रेड का कर दिया हमने, 1:1:2:3 का, ठीक है। तो क्या होता है, हमको पता है कि आफ्टर 20 डेज हमारा जो कॉन्क्रीट होता है 99% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन मशीन होती है जो हमारी, उसके अंदर क्यूब डालते हैं। तो जब उसमें जब फोर्स आता है हमारा, तो क्या होता है, उसको प्रेस करता है तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि वो जो हमारा कंक्रीट होता है क्रश होने लग जाता है, ठीक है। तो उससे हमें उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पता चलती है। तो वहाँ से हम निकालते हैं कि हमारा जो कंक्रीट का है इतना न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसमें, तो उसका 25 हो गया न्यूटन पर MM स्क्वायर।